सो गाइज, अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में सोच रहे हो, यानी कि टेलीनोर या फिर यूनिनोर सिम के अंदर आप कॉल फॉरवर्डिंग का सोच रहे हो और आप सर्च कर रहे हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आ गए हो, क्योंकि इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कॉल फॉरवर्डिंग करनी है। तो सिंपल, लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं रोज़ देता रहता हूँ। एंड्रॉयड से रिलेटिव सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो आपको अपने जाना है कीपैड, यानी कि जो आप डायल पैड के अंदर जाना है आपको, और वहाँ पर टाइप करना है **002*, और आपके वो नंबर जिन पर आप ये यूनिनोर सिम या टेलीनोर सिम की जो कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको 10 डिजिट है वो डाल देने। तो आप देख सकते हो कि 10 डिजिट डालने के बाद में आपको हैज ज़रूर लगाना है, ताकि आप कॉल फॉरवर्डिंग आसानी से एक्टिव कर सको। तो यूनिनोर या टेलीनोर सिम के अंदर कॉल फॉरवर्डिंग के लिए आपको **002*, आपके वो 10 नंबर जो जिस पर आप कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव करना चाहते हो अपने यूनिनोर सिम के नंबर से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में आपको कॉल करना है अपनी यूनिनोर सिम से एक्टिव करने के लिए, यानी कि आपके पास यूनिनोर सिम है वो आपको एक्टिव उसी टाइम उस मोबाइल के अंदर होनी चाहिए, और आपको उसके टाइम बाद आपको उस नंबर से कॉल कर देना है। जैसे आप कॉल करोगे तो आपको एक US कोड रनिंग होंगे, उसके बाद में आपको टोटली वहाँ पर एक मैसेज मिलेगा कि आपके जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो एक्टिव हो चुकी है। यानी क्या करना, आपको **002* और 10 नंबर वो जो आप कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हो और हैज लगा कर अपने डायल पैड से डायल कर देना है। उसके बाद में आपको मैसेज मिलेगा कि आपकी जो कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो चुकी है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।